All right, the big story that we are tracking on Mirror now, a major relief for Arvind Kejriwal. The Supreme Court has just green-lighted his interim release from Tihar jail, and here's why. It's about giving him a chance to hit the campaign trail as we move deeper into the Lok Sabha elections. With Delhi's election phase fast approaching and four more overall phases to go, the timing could not be more crucial. Despite the Enforcement Directorate's firm opposition, citing that campaigning isn't a fundamental right, the top court has granted Arvind Kejriwal interim bail until the 1st of June. On the 2nd of June, though, he's required to surrender. But it may not be all free rein for Kejriwal. The Supreme Court is likely to lay down a crucial condition regarding a key issue. That's whether Arvind Kejriwal can exercise official duties. The condition is, while he's out campaigning, he may not be able to sign any official files or discharge any governmental duties. Whether this condition stays, we'll know when the detailed order from the Supreme Court is out on its website. But here's the bigger question. What precedent does this set? How will this impact the dynamics of the ongoing elections, not just for Arvind Kejriwal, but also for others? Let's also quickly cut across to this live press conference that's happening by the Aam Aadmi Party. Gopal Rai is speaking. Let's listen in. Aaj puri Delhi hi nahi pura desh khush hai. Is baat se prafullit hai ki in vipreet paristhitiyon mein bhi Bharat ke andar हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कुर्बानी के दम पर जो संविधान मिला, लोकतंत्र के जो अलग अलग स्तंभ बने, आज भी इस तानाशाही के अंधकार युग में भी अपनी भूमिका को निभाए हैं, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बंधी है। मैं पूरे दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर हम सब ने मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वोट की ताकत से इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये और मजबूत होगा। पूरा देश मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेगा और इस देश के अंदर लोकतंत्र को और संविधान को बचा करके इस देश को और मजबूत करेगा। तो मैं पुनः सभी लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आदित्य जी की बात। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर, अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। लोकतंत्र में चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे संविधान की नींव है कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है चुनने का। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा,
और 2024 के ही इस चुनाव में होगा। और मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूँ सामने आकर लोकतंत्र को बचाने के लिए। और मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि इस देश को, अपने लोकतंत्र को और अपने संविधान को बचाने के लिए ये आखिरी मौका है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सबको मिलकर अपनी वोट की ताकत से इस तानाशाही को खत्म करना है। धन्यवाद सौरभ। ये पीएमएलए जैसे मामले में जिसमें केंद्र की पूरी सरकार, उनकी पूरी आर्टिलरी, पूरी मशीनरी एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी, और ऐसे मामलों में जहां पे महीनों महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया, उनकी इंटरिम बेल 40 दिन में होना मुझे लगता है कि कोई चमत्कार से बड़ा ही कुछ है। और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मेरा मानना है ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे। और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो हो रही है। और एक बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, और आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर अब बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। All right, so the Aam Aadmi Party, they're holding a press conference after the Supreme Court granted bail to Arvind Kejriwal. Interim bail is what he has been granted till the 1st of June. Let me go across to my colleague Nikhil, who's been tracking the developments in the national capital.